कानून ने यह बड़ी बखूबी सारे देश के दे लोगों को पता चल गया कि ये जड़े आ किसान विरोधी किसान मारू ने, सिर्फ किसान मारू नहीं बल्कि समाज मारू ने। खेती कानून आ जोड़े वो अपने हरेक लिए, चाहे वह कोई किसान आ, चाहे वह इस किते नाल जुड़िया चाहे नहीं, ये कानून हरेक इंसान किसी ना किसी तरह संबंध रखते हैं। एक मैं ये गल कहना चाहूँगी कि मोदी जी कह रहे थे ना कि 2% वाले, तो अज तुम 2% वाले की देखो भी उन्होंने किन्नी इतने आके दिल्ली की हिक ते बैठे ने, तो हुण सानू ऐ लगता भी साढ़े 98% जुड़े तो उन्होंने 2% रह गए। किसान अनाज पैदा करता है ता ही जो औरतें चुल्हे चला ने अगू, तो इस करके जी मोदी सरकार आ 3 कानून ने जो वापस लै लवे। पंजाबी नैशनल टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करता हाँ। तो हुण असी तुहानू दिखाउण जा रहे हाँ लुधियाणे तो अध्यापक पहुँचे ने एक स्कूल तो, नाल प्रिंसीपल भी ने, ते नाल उन्हां दा सारा स्टाफ है। प्राइवेट स्कूल तो ने, ते प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ही जो लड़ाई किसानां दी विढ़ी हुई है उहदे विच ही जिहड़ा सहयोग देण पहुँचे ने प्रिंसीपल सर नाल पहला गलबात करदे हां। सति श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। जी तुसी खुद प्राइवेट सैक्टर नाल जुड़े हुए हो ते अज किसानां दे हक दे लई आए हो, क्योंकि किसानां नूं भी डर है कि ना कि खेती भी है जिहड़ी उहनूं प्राइवेट ना कर दिता जाए, की विचार ने जी? सर इहदे विच गल प्राइवेटाइजेशन दी नहीं है। दरअसल जिहड़े ये कानून है जो पिछले 10 जून तो एक किसानी संघर्ष शुरू होया सी ते इस जगह दे उत्ते 28वें दिन दे विच अज दाखल हो चुके आ। इहदे विच जो ये कानून ने यह बड़ी बखूबी सारे देश के दे लोगों को पता चल गया कि ये जड़े आ किसान विरोधी किसान मारू ने, सिर्फ किसान मारू नहीं बल्कि ये समाज मारू ने। सो ये जड़िया 6 दौर दियाँ गलबात भी है उहदे विच भी सरकार ने दसण की कोशिश की कि कानूनों के फायदा की है, पर रब की करनी कि 6वें दौर की मीटिंग दे विच किसान वीर ये चंगी तरह समझा पाए सरकार नूं। पर अज सानू जिहड़े विद्यक संस्थावां दे विचों असी आ रहे हैं, सानू एक परमात्मा वल्लों ही एक ड्यूटी बख्शी गई है कि असी समाज दे विच ज्ञान का प्रकाश करना। तो अज जदों असी इस संघर्ष नूं देखिया जिहदे विच छोटे बच्चे माइयां बीबियां बजुर्ग पिछले 28 दिनों तो कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, पर इस अन्नी ते बोली सरकार के कान नहीं खुले। फिर असी यह सोचा कि सानू विद्यक संस्थावां नू भी इहदे विच योगदान पाउणा चाहिए, क्योंकि ये सरकार एक लोकशाही सरकार है, पर जदों लोकशाही दे विच वोटां नू जित के मजोरिटी दे विच सरकार आ जाती है वह अपनियां मनमतियां करनियां शुरू कर देंदी है, जबकि उन्होंने ये भुल जाता कि जिहड़ी ताकत जिहड़ी ताकत करके वह कानून बना रहे हैं वह ताकत एक आम बंदे की दित्ती हुई हुंदी है। सो उसकी दुरवरतों हो रही है। अज जिद्दां कि समूह वर्ग इत्थे इस पवित्र कार्ज दे विच शामिल होने लई पहुँचे आ, मैं अपनी गुरद्वारा बाबा मुकंद सिंह सीनियर सैकेंडरी स्कूल ते साड़ी सारी मैनेजमेंट कमेटी ते साड़ा सब समुचा स्टाफ असी इस जगह ते नतमस्तक होण आए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अंदोलन आ जिहड़ा संसार दे विच ना पहला होया ना एडा किसी ने होना, तो आने वाले समय दे विच जदों इहदियां बातां पैणगियां मैं नहीं चाहुंदा कि असी उहदे तों वांझे रह जाईए। ये कहण दे विच कि असी इस जगह दे उत्ते आ के नमस्कार नहीं कीता, इन्हां किसानां दी मदद लई हादा नारा नहीं मारिया जी। बिल्कुल बहुत वड्डा मैसेज है अपने आप दे विच। अध्यापक ने अध्यापक नींह रखते ने समाज की, अध्यापकों नूं समाज के मुढ़ बन्नू भी कहा जाता है, क्योंकि नवीं जनरेशन जिहड़ी पढ़ती है वह इन्होंने घड़नी हुंदी है, नाल दी नाल नैतिक सिक्ख्या जिथे देनी हुंदी है उत्थे जिहड़ी समाजिक सिक्ख्या दिंदे ने। इन्हां दा स्टाफ खड़ा है, सारा स्टाफ दे नाल भी गलबात कर लवांगे जी। सति श्री अकाल जी। हाँ जी जी, जदों तो नाल तुसी भी आए हो, औरतां बहुत सारियां जुड़ भी रही ने, एक इस संघर्ष ने एक भी संदेश दिता है औरतों भी जोड़ा बराबर मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़न का मौका दिता, तो औरतां खड़ियां भी जी उस बारे औरतां बराबर खड़ियां भी ठीक आ। औरतां जिहड़े भी कानून आ कानून सरकार वापस लवे, किसान साडा आंदा था, एक जिहड़ा किसान आ
किसान आंदा था जे किसान अनाज पैदा करता है ता ही जड़ा औरतां चुल्हे जलाउंदियां ने अगों ते इस करके जिहड़ी मोदी सरकार आ उह तीन कानून ने जिहड़े उह वापस लै लवे ते किसानां दी जी तां स्टाफ दा वी इहो ही है कि कानून है जिहड़े वापस होने चाहीदे ने जी की लगदा जी अध्यापकों पकड़ रही है राजनीतिक मामलों से भी पकड़ रही है आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे किदां दी सिचुएशन लग रही है जिहड़ी पोलीटिकल सिचुएशन अज दी ठीक है जी साहब सरकार सारे महकमे प्राइवेट कर रही है हुण किसानां दी खुदमुख्तियारी सीगी उह भी इह खो रही है किसानां तों जमीन हड़प रही है कुछ क अमीरजादियां दे हत्थ विच इह कर रही है तां कि किसान अपनी जिहड़ी आ मतलब खेतीबाड़ी ना कर सकन आपदे जनसां दे रेट ना लै सकन इस करके ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕਸ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 2% ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2% ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 98% ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2% ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਰੋ ਕਲੈਪਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 98% ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਕਿਉਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।